सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपके सामने पीछे खड़ी हुई है हीरो की एक्सट्रीम 125R, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो ऑल ओवर इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर मिल जाता है, इस बाइक से क्या माइलेज मिलने वाला है, क्या प्राइस है इसका ऑन रोड, और क्या क्या खास फीचर मिल जाते हैं, तो सारी डिटेल में बात करेंगे इस बाइक से रिलेटेड। तो सबसे पहले इस बाइक के जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो एंजॉय करो। तो दोस्तों, ये है आपके सामने में न्यू लॉन्च हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो इसका जो लुक है 125cc में शायद ही आपको किसी और बाइक में देखने को मिलेगा। ये जो एरोडायनामिक डिजाइन है, तो इस बाइक में जो हीरो कंपनी ने डिजाइन दिया है, काफी यूनिक और काफी अट्रैक्टिव लुक दिया है। देख सकते हो आप, सुपर बाइक वाला जो लुक है। फ्रंट जो हेडलाइट है इसकी काफी यूनिक बनाई हुई है, और साइड में दोनों तरफ काउल दिए गए हैं एकदम डिफरेंट डिजाइन में। ऑल ओवर जो बाइक है काफी स्टाइलिश लुक में बनाई गई है हीरो कंपनी ने। तो चलिए इस बाइक के ऑल ओवर स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में हीरो का 3D में लोगो मिलेगा क्रोम फिनिश में। यहाँ पे DRL लाइट्स है LED में, बाकी इसका ये है फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप। हेडलाइट के ऊपर में आपको ग्लॉस फिनिश मिलेगी दोनों ही साइड में, बीच में मैट फिनिश। बाकी अभी ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे हम इग्निशन की ऑन करते हैं तो DRL लाइट ऑन हो जाती है। तो ये इसकी प्रोजेक्टर LED हेडलाइट सेटअप। फुली LED इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको इस बाइक में, जिसमें आपको हजार्ड का फीचर भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। चारों इंडिकेटर ऑन है अभी। की के ऊपर में आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नॉर्मल की है बाकी। जैसे इंसर्ट करते हैं तो ये इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको लो फील इंडिकेशन, इंजन मेल फंक्शन लाइट्स, साइड स्टैंड लाइट, न्यूट्रल लाइट और टर्न इंडिकेशन लाइट, ABS लाइट, RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, गियर पोजिशन इंडिकेशन, ठीक है। तो सारे फीचर मिल जाते हैं, और इसमें आपको कॉल SMS अलर्ट का भी फीचर मिल जाता है। बाकी लेफ्ट साइड में आते हैं हैंडल बार के, तो एक क्लच लीवर, ये पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, ये हजार्ड का स्पेशल स्विच दिया गया है। तो अभी देख सकते हो आप, हजार्ड ऑन कर दिया मैंने। चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं स्विच दबाने से, इसको कर देते हैं ऑफ। लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर स्विच, बीच में प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएंगे। इसका हॉर्न काफी लाउड है। फ्लैट हैंडल बार, यहाँ पे फ्लैट हैंडल बार दिया गया इस बाइक में। और राइट साइड में आते तो इंजन किल स्विच रेड कलर का। अगर तो बाइक स्टार्ट करके आपको साउंड सुना देता हूँ। बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो आप सुन सकते हो। तो ये इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट काफी स्मूथ और काफी बेसी साउंड है। साथ ही साथ इसकी जो हेडलाइट है वो देख सकते हो, ऑन होने के बाद कुछ ऐसी नजर आती है बाइक स्टार्ट होने के बाद। तो अब बात करते हैं इसका जो मडगार्ड है वो ग्लॉस विद मैट फिनिश मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है काफी हैवी में। ABS ब्रेकिंग मिल जाती है, ABS ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी 276mm की डिस्क है विद ABS ब्रेकिंग। फ्रंट टायर की अगर बात करें तो इसमें मिल जाता है आपको 90x90 सेक्शन का 17 इंच के अलॉयज है। MRF कंपनी के टायर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो। यहाँ पे आते तो नीचे की तरफ में कैटलिक कन्वर्टर है, यहाँ पे मफलर मिल जाता है। ये इस बाइक का इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इंजन है। हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात है इस बाइक में आपको किक स्टार्ट ऑप्शन भी मिल जाता है, सेल्फ के साथ साथ में किक स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। स्प्रिंट ईबीटी मतलब इंजन पावर कहीं ना कहीं इनहेंस होती है इससे। और यहाँ टैंक के साइड में आपको मिल जाता है 125R का स्टिकरिंग ग्राफिक। यहाँ टैंक के ऊपर में आपको काफ़ी प्रीमियम एक्सट्रीम का लोगो मिल जाता है 3D में, तो जिससे लुक है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। बाकी ये पूरा का पूरा फाइबर है, ब्लैक और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका टैंक, टैंक के ऊपर मिल जाती है E20 की बैजिंग। इस बाइक की जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो है 10 लीटर्स की। यहाँ साइड पैनल पे आपको हीरो की स्टिकरिंग मिलेगी,
अगेन फुटरेस्ट रबड़ ग्रिप के साथ ये ब्रेक पैडल, और ये इसका एग्जॉस्ट काफ़ी शॉर्ट और कॉम्पैक्ट, काफ़ी स्टाइलिश लुक में दिया गया इसका एग्जॉस्ट। यहाँ पे मफलर है, तो एग्जॉस्ट भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया इसमें, जैसे 160 R में ये पिलियन फुटरेस्ट। रियर में जो ब्रेकिंग है वो ड्रम ब्रेक मिलता है। बात करें हम रियर टायर की, तो भाई MRF कंपनी का टायर दिया गया है। टायर साइज है इसमें रियर वाला 120x80 सेक्शन का, 17 इंच के अलॉयज हैं। रियर जो सस्पेंशन है इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, वाइट कलर के आप देख सकते हो। वन साइड माउंटेड टायर हगर गार्ड काफ़ी हैवी क्वालिटी में दिया गया है। यहाँ पे से आप देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त दी गई है, एंगल का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है यहाँ पे। और ये इसकी LED टेल लाइट, और नीचे की तरफ में भी आपको एंगल मिल जाता है टेल लाइट पैनल के नीचे, तो कहीं ना कहीं जो बिल्ड क्वालिटी है, मजबूती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रखी है हीरो कंपनी ने। स्प्लिट टाइप ग्रैब रेस मिल जाते हैं यहाँ, ईजी टू ग्रिप हैंडल। यहाँ पे अगेन स्टिकरिंग। सीट की बात करें तो इसमें स्प्लिट टाइप सीट दी गई है, सीट कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, राइडर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू पिलियन। ये इसकी टेल लाइट फुल्ली LED में, यहाँ पे भी हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे की स्लॉट मिल जाता है सीट ओपन करने के लिए, ठीक है। पिलियन फुटरेस्ट विदाउट रबड़ ग्रिप, और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट आपको मिल जाता है। यहाँ सारी गार्ड तो नहीं दिया, बट व्हील कवर दिया है, तो ये काफ़ी डिफरेंट, तो ये आपने शायद ही किसी और बाइक में देखा होगा, इस तरीके से व्हील कवर दिया गया है इसमें प्रोटेक्शन के हिसाब से। हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी यहाँ। ये इसका नेकेड चैन सेट कवर फाइबर प्लास्टिक में। इस बाइक में आप अलग से आप सारी गार्ड या फुटरेस्ट लगवा सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो स्पेस दिया गया है यहाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारी गार्ड नहीं लगवा सकते, अलग से ऑप्शन है, आप लगवा सकते हो कहीं से भी। बाकी ये इसका 5-speed गेयरबॉक्स लीवर सिंगल पीस में मिलता है रबड़ ग्रिप के साथ, राइडर फुटरेस्ट। ये इस बाइक का साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ मेन स्टैंड भी मिल जाता है। अगेन ब्रांडिंग हीरो की। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक 11.5 BHP 8850 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है बाइक 10.5 Nm 6000 RPM पे। यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट गियर डाउन में, बाकी सारे ऊपर। और इस बाइक में आपको कोई भी इंजन काउल देखने को नहीं मिलता है। बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है आपको 180 mm का, सिंगल हॉर्न है यहाँ देख सकते हो आप। ऑल ओवर जो बाइक से रिलेटेड फीचर थे मैंने आपको बताई दिए, बाकी आपको कोई भी क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 1,18,000। बाकी अगर आप इस बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हो या फिर इस बाइक को EMI पर परचेज करना चाहते हो, तो शोरूम की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप क्वेरीज कर सकते हो। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 794 mm यानी 794 mm। टोटल कर्वेट है इस बाइक का 136 kg। बाकी अगर एवरेज की बात करो तो इस बाइक से आपको ईजिली मिल जाएगा 60 KMPL का माइलेज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।